दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है लेसन 5 जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, वो कर रहे हैं। इसके पहले मैंने सारे 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, 7 क्लास की 4 लेसन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, और आपको पता ही होगा एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5। तो यह है जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। तो अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार के राज्यों का उत्थान हुआ, पतन हुआ। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों गांव में फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में क्या हुआ, अंतराल में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और इससे उचित मतलब इससे क्या ऊँच और नीच का, अमीर और गरीबों के बीच का फासला बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज के बारे में बात करें तो अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। महाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वह असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर उसे ऐसे समाज को जनजातियाँ कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे, और कई जनजाति खेतों से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजाति खानाबदोश थी, जो कि एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इन उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजाति फली फूली। ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जनजाति मतलब क्या विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। कई मानों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म को, जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इन संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। जनजाति के लोग कौन थे, तो समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्धि रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत मिलती थी। इस इतिहासकार जनजाति इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर जनजाति के बड़े इलाके में रहते थे, कैसे वो अलग सबसे रहते थे, तो ये मैप देखिए, प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र के बारे में है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बादागाम, मारवार, बेतर, करोगा, बेदार, कोयास, कोंड, गोंड, बैगस, तो भील, और ये गखर, गोखर, बलूची, कोच, सब देख रहे हैं ना, ये सब जनजाति थी उस समय के। आप दक्षिण में देखेंगे बेतर, मारवार, बागदास, करेगा और बेराद, कोयास, काटेगागार, ये सब हैं। और उत्तर में देखिए, उत्तर में तो आपको इतना नहीं दिखेगा, तो नॉर्थ में देखिए आप, नॉर्थ में है मखार, खोखर, झंझूर, मलंगा, तो लहांग वगैरह, आंडवान, निकोबार द्वीप समूह, सब कुछ देखिए यहाँ पर। एवं शक्तिशाली जनजाति बलोच, ये लोग बहुत अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलम बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़ेरिया जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व मौजूद है। बिहार और झारखंड कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर पर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए। और औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इन जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। और जैसे उसमें पूछ लेगा क्वेश्चन, ये कोली कौन थे मुगल में, कोरोगा, बेतार, मारवार, दूसरे ये सब कौन से थे, तो ये सब जनजाति थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई जगह बसे खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी, संग्राहक बने रहे, और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कौन लोग कैसे रहते थे,
तो खानाबदोश चारवाहे अपने जानवरों के दूर दूर तक घूमते थे और उनका दूध और अन्य बहुचारी उत्पादों पर निर्भर थे। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, मतलब बेचते थे। और तो घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला बाहर को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये घुमंतु प्रजाति हैं। मतलब एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं भारत लाते थे जो बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जानवर पर सामान की ढुलाई का काम करते थे, एक जगह दूसरी जगह पर आते जाते सामानों खरीद फरोख्त करते थे। और बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता है। क्या कहलाता है? टांडा ही मिल गया आपको सब। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। तो बंजारे कौन थे? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई थी जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं, चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार थे। उनका नीचे से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे और कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो खुद सौदागर होते थे, मतलब व्यापारी लोग को कहा जाता था। तो कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ में उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। ये कभी कभी बिच्छुओं को लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकी गायकों और अन्य तमाश बहनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ बनने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी कई जनजातियाँ सामाजिक समूहों को जाति विभाजित कर समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषतः जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई और कवर्ड की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श, तो वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तल्लुक में उय्या कोंडन उदयर के 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ रखने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें से वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि गई लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। 12वीं सदी तक आते थे। क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में बड़ी इजाफा हुआ। वे हूड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति आते थे और बाद में कुछ कुल राजपूत मान लिए जा गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेष कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों से ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी बड़े इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच कई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे दिए गए, जैसे नज़दीक से एक नज़र। गोंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बांटी गई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा और राज राय होता था।
जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राजे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामे में लिखित कि गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्य प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँवों की इकाइयों में विभाजित हो गए जिन्हें चौरासी कहा जाता। 84 का विभाजन बहरोत में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। यह देख लीजिए गरोह, आप देख सकते हैं कोलगा नर्मदा नदी किनारे। अब बायरोडगढ़ और चरावगढ़ सब देख लीजिए। बड़े राज्यों खुद ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कंटका के गोंड राजा अमन दास से ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राज सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपनी 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन का कमान संभाला। आपको ने पढ़ा होगा दुर्गावती थी वो सबसे बड़े मतलब बहुत ज़्यादा योग्य शासक थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1665 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा लेकिन काफ़ी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी अहोम जनजाति के बारे में है। म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूइयां भूस्वामी के लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का है मैप, जिसमें भूटान है, कोंच गारो खासी जयंती सब क्या है जनजातियाँ हैं। तो लेकिन अहोम लोग को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1662 में जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर लिया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस समय उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रति नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेकार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों ने जबरन काम किया था वे पाइक कहलाते थे। जबरन काम करने वाले क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी में आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजते होते थे और इसके लिए जनगणना के साथ सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का स्थानांतरण किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं सदी पूर्वार्ध में क्या हुआ पूर्वार्ध होते हुए प्रशासन खास केंद्रित हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए दूसरे समय में बांध सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके अभी अमल किए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। खेल किसे कहते थे? अहोम समाज के कुलों के विभाजन को खेल कहते थे और वहाँ दस्तकारी बहुत ही कम जातियाँ थीं। अब प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं कर सकते थे। शुरुआत में उन्होंने लोग अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों का राजा के द्वारा पूरी भूमि जनदान में ही दी गई। शिव सिंह
के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में, फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान के दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव आए और चलाई बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाए। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गया, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह के जन राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो अब आपका होमवर्क आता है, ये मिलान करना है। गढ़ किसे कहते थे? टांडा, श्रमिक, कुल, शिव सिंह, दुर्गावती कौन थी? तो ये सारी चीज़ें आपको मिलान करके मुझे टेलीग्राम में जरूर से ज़रूर भेजना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करना है। ये सारा आपका होमवर्क, सही गलत बताना है ये, और स्क्रीन पॉज करके आप आंसर होगे। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजाति समाज कैसे बदला? ये कमेंट बॉक्स में आप देंगे, मैं इसको चेक करूँगी और फीडबैक दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे लगा लेक्चर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।